तो आप सभी बच्चों का हमारे एसबी एकेडमी रावला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हम अपना फिफ्थ क्लास के लिए लेक्चर लेकर आए हुए हैं, ठीक है। जो हमारी एक्सरसाइज है वो है ठीक है, और एक्सरसाइज आज हम करेंगे 5.1, ठीक है, जिसका नाम है गुणज एंड गुणनफल। गुणज एंड गुणनफल, तो सबसे पहले हम बच्चों समझते हैं गुणज के बारे में। गुणज का मतलब क्या है कि गुणा करना, क्या करना, गुणा करना किसी भी संख्या से, ठीक है। जैसे मैं आपको ये पूछती हूँ, आपको दो की गुणज लिखने हैं, किसके गुणज, दो के। दो के गुणज का मतलब ये है कि दो के गुणज का मतलब ये है कि दो का आप जब एक से गुणा करोगे तो दो आएगा, दो का गुणा दो से करोगे तो कितना आएगा, चार आएगा, दो का गुणा तीन से करो तो छह आएगा, दो का गुणा चार से करो तो कितना आएगा, आठ आएगा। इस प्रकार से ये चलता रहेगा। दो के गुणज आप काफी सारे देख सकते हो, बहुत सारे गुणज देख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 पर, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा। पहला जो प्रश्न है ये कह रहे हैं कि दी गई संख्याओं के चार चार गुणज लिखिए। हमें संख्या दे रखी है, उनके चार चार गुणज लिखने हैं। पहला दे रखे हैं चार का गुणज, तो चार का गुणज लिखेंगे। चार का एक से गुणा करो पहले तो चार आ गया, फिर चार का दो से गुणा करो कितना आ जाएगा, आठ आ जाएगा। फिर चार का तीन से गुणा करो कितना आ जाएगा, बारह आ जाएगा। चार का चार से गुणा करो कितना आ जाएगा, सोलह। जो गया पहला गुणज लिखने हमें, उसके बाद में सात, सात का गुणज लिखोगे तो सात के गुणज का मतलब सात गुणा में आठ, यानी सात। सात गुणा में दो करोगे कितना आएगा, चौदह। सात गुणा में तीन करोगे कितना आएगा, इक्कीस। तो सात गुणा में चार करोगे कितना आएगा, अट्ठाईस। तो चार चार गुणज लिखने हैं। इस प्रकार से मैंने पहला और दूसरा आपको करवा दिया है। उसके बाद में तीसरा जो है वो चौदह के गुणज लिखने हैं। चौदह गुणा में एक, फिर चौदह गुणा में दो, चौदह गुणा में तीन, चौदह गुणा में चार। इसी प्रकार से उन्नीस गुणा में एक, उन्नीस गुणा में दो, उन्नीस गुणा में तीन, उन्नीस गुणा में चार। तो सारे के सारे गुणज आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसे नोट कीजिए, फिर हम अपने अगले प्रश्न पर देखते हैं। जो आगे वाला जो प्रश्न है, दो नंबर प्रश्न है, कह रहे दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए कि जो हमें संख्या दे रखी है उनके गुणज है या नहीं आगे जो हमने दे रखी है।
उसके बाद पर्सन नंबर 8 पर आ जाइए।